नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मानवतावादी व शिक्षक ईश्वर चंद विद्यासागर की मनाई गई जयंती। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा आज मनाई गई ईश्वर चंद विद्यासागर की जयंती, जिसमें उनके किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। विद्यासागर की जयंती मनाई है। ये विद्यासागर इतिहास में एक महान शिक्षक के रूप में दर्ज है। इन्होंने समाज में विधवा विवाह को शुरू करने के लिए शुरुआत के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज पूरी तमाम जगह जब हम देख पाते हैं, चाहे स्कूल की किताबें हों, अखबारों की हेडलाइंस हो, न्यूज़ मीडिया हो, ये विद्यासागर को उतने रूप में बताता नहीं है। पार्टियाँ तो मनाती नहीं है, जिनसे उनकी वोट बैंक की प्राप्ति नहीं होगी उनको मनाएंगे नहीं, लेकिन विद्यासागर को समाज में पहुँचाना जरूरी है। विद्यासागर ने बताया स्कूलों कॉलेजों में हमें क्या पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षक होने के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ क्या पढ़ाना पढ़ाया जाना चाहिए, इस बात की शुरुआत विद्यासागर ने की। इसलिए आज पूरे शहर भर में, पूरे देश में डीएसओ ने विद्यासागर को मनाया है। यहाँ पर पीजी कॉलेज गुना में डीएसओ की कॉलेज इकाई की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा ताकि छात्रों के बीच हम विद्यासागर को भेजा। बाईपास पर एक युवक ने लगाई फांसी। सकतपुर रोड स्थित बाईपास पर सकतपुर निवासी पन्नालाल कुशवाहा ने अज्ञात कारणों के चलते बाईपास की रेलिंग में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पन्नालाल कुशवाहा पिता हरगोविंद कुशवाहा सकतपुर के रहने वाले हैं, और अभी 100 डायल पर सूचना मिली थी। रात्रि में ये करीब घर से निकले हुए थे, सुबह के निकले हुए थे, और रात में ये आए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपने गमछे से फांसी लगा ली है। यही घटनाक्रम अभी मालूम पड़ा है और इसमें जाँच की जा रही है। कोई कारण अभी मालूम नहीं पड़ा है। परिवार के लोगों से, उनका एक बेटा है, उससे बातचीत की गई, उसने बातचीत में ऐसा कोई कारण नहीं बताया है। परिवार में कोई ऐसी बात अभी मालूम नहीं पड़ी। शिवसेना ने किया विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित। शिवसेना के द्वारा आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से गुना विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। गुना विधानसभा से शिवसेना के प्रत्याशी रिंकू पंत को बनाया गया है। उसके बावजूद भाजपा का दम इतना बढ़ गया है कि उन्होंने उसका गलत उपयोग हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, जो कि सर्वथा हो चुका। तो जब इस तरह की चीजें, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर भाई राम मंदिर के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि शिवसेना या सभी संगठन हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रहा है। हमारा प्रयास है जब हम आपको पूर्ण बहुमत से लेके आए तो अपना वादा पूरा करें, राम मंदिर की घोषणा करें। उसके लिए अध्यादेश नहीं लाए, लेकिन जिससे समाज को तोड़ना है, हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए, जातिगत वोट बैंक तैयार करने के लिए हिंदू को जातिगत उसमें तोड़ा गया, उसके लिए अध्यादेश ले गया। तो कब तक इस तरह से मतलब किसी की निरंकुश शासन को कब तक चलाया जाए? क्या एजेंडा रहेगा हमारे चुनाव में? हमारा रोजगार, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, इन तीन चीज का मुख्य हो जाएगा। उसके लिए मूल एजेंडा है हिंदू। शिवसेना आज तक सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करती है और उसका आखिरी मरते दम तक एक ही एजेंडा है हिंदू। देश की रक्षा, समाज की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा।
इस काम के लिए ही सिर्फ शिवसेना का जन्म है। शिवसेना का मूल उद्देश्य कभी भी राजनीतिक नहीं रहा। इसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र के अलावा कहीं भी हम ज़्यादा बहुत प्रयास नहीं कर रहे। तो शिवसेना का आदरणीय परम आश्रित बाला साहब जी ठाकरे जी के जो आदेश थे कि शिवसेना का मूल उद्देश्य 80% जनसेवा, जनसेवा के कार्य हमेशा शिवसेना करती रही और आगे भी करती रही। आज ऐसी विकट स्थिति आई जब हमारी आप क्या रोक रहे हो? जो मुद्दे समाज के हित में है उस पर हमने हमेशा समर्थन दिया, लेकिन जो समाज को तोड़ने वाले होंगे उसमें शिवसेना ने हमेशा विरोध किया और करती है। हमारा विरोध किसी समाज से नहीं है, सर्वधर्म सब हमारे लिए बराबर है। हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, ऊंच नीच इन सब भावनाओं से उत्प्रेरित होके हमने ही रिंकू पंत जी को इसीलिए खड़ा किया। और रिंकू पंत जी के अलावा बाकी 3 सीटों पर हम जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो नीतियां आज की डेट में चल रही हैं, इन सब के विरोध में आके 230 सीटों विधानसभा सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है और आने वाले समय पे आपके द्वारा हर जिले में हर विधानसभा में इस चीज की आगे आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी शुरुआत हमने रिंकू पंत जी से की है और आशा करते हैं कि आप सभी हर संभाग में प्रत्याशियों की घोषणा बराबर चल रही है। तीसरा तो आप सभी सहयोग करेंगे, पंत जी भी आपके सहयोगी पत्रकार हैं, ये उम्मीद तो हम आपसे करी। परम श्रद्धे उद्धव जी ठाकरे के अनुसार शायद 230 सीटों पर ही शिवसेना चुनाव लड़ने वाली है, तो इसमें निरंतर आपका सहयोग हमें मिलता रहे, क्योंकि शिवसेना संगठन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप सब लोग वो ताकत हैं, इसी भी संगठन को मजबूती देने के लिए आपसे बड़ा सहयोग शायद ही है कोई कर पाए। हमारी तैयारी बूथ स्तर से पूरी चालू हो चुकी है और आप हमारे भाई अमित प्रधान जी जिला प्रमुख हैं गुना के और मुरैना वाले जितेंद्र आप भैया जितेंद्र सिंह भदौरिया जी ग्वालियर संभाग के युवा प्रमुख हैं संभाग जी जी भैया आकाश मोहम्मद अनिल सोनी डॉक्टर अनिल सोनी जी जो महामंत्री हमारे गुना के 230 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके लिए हमारे गुना के मंत्री हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं और हमारे लोकसभा के प्रभारी धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो हमारे प्रताप सिंह जी तोमर जी हमारे यहाँ के प्रदेश महासचिव होने के बाद यहाँ पे चुनाव प्रभारी बन के आए हैं। हमारे गुना के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं और इनकी आज हम यहाँ मंच से आप सबके द्वारा घोषणा करते हैं चुनाव प्रत्याशी। ठीक धरनादा स्टेशन पर हजारों यात्रियों की प्यास बुझाने वाले प्याऊ को बदला जा रहा है शौचालय में। कोटा मंडल का धरनादा स्टेशन पर प्याऊ को कर रहे शौचालय में तब्दील। यात्रियों ने व ग्रामीणों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और लिखित आवेदन भी दिया है तथा यात्रियों व ग्रामीणों का मानना है कि इसमें रेल विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है व रेलवे को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। रेलवे विभाग से यात्रियों व ग्रामवासियों का आग्रह है कि इस कार्य पर रोक लगाई जाए। अगर रेलवे को शौचालय ही बनाना है तो रेलवे स्टेशन पर और भी जगह है, न जाने किस कारण रेलवे पानी के प्याऊ को ही शौचालय बनाने पर तुली है।
फुटबॉल संघ द्वारा गुना के संजय स्टेडियम में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन पहला मैच कटनी और शहडोल के बीच खेला गया, जिसमें शहडोल ने जीत हासिल की। दूसरा मैच छतरपुर और सीहोर के बीच खेला गया, जिसमें छतरपुर ने जीत हासिल की। तीसरा मैच जबलपुर और सतना के बीच खेला गया, जिसमें जबलपुर ने 4 गोल से जीत हासिल की। तथा चौथा मैच सिंगरौली और उमरिया के बीच खेला गया, जिसमें यह मैच सिंगरौली ने 3 गोल से जीता। पांचवा मैच गुना और मुरैना के मध्य खेला गया। यह प्रतियोगिता 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। मंच पर आ जाए बन्नू भाई, कई अरसा बीत गया यार, तुम्हारे दर्शन ही नहीं करे हमने। और मैं चाहूंगा शीघ्र कृपया मंच पर आ जाए। कई दिनों से मिल रही सूचना के बाद आखिरकार कैंट थाने की एक बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल को कई समय से सूचना मिल रही थी कि कैंट थाना अंतर्गत जुआ चलाया जा रहा है, जिसके बाद आज कैंट थाने की बड़ी कार्रवाई में जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस विभाग के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की खबर के अनुसार 4 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सभी लोग कैंट थाने अंतर्गत बर्रे गाँव में जुआ खेल रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन जुआरियों को दो तरफ से घेर कर रखा था, लेकिन मौका मिलते ही ये सभी लोग उमरे और पाटा के रास्ते होते हुए भाग गए, जिनमें से केवल 4 ही पुलिस के हत्थे चढ़ सके। गुना की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा करने में पुलिस अभी तक नाकाम है। बता दें कि अरविंद गुप्ता के यहां से तकरीबन 1.5 करोड़ की चोरी हुई थी। केस के आरोपियों में से एक पुलिस के हत्थे पहले ही चढ़ गया है, जिसको राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं गुना से भी एक पुलिस टीम राजस्थान भेजी गई है, जो आरोपियों से रकम जब्त करने के लिए वहां गई है, लेकिन सूत्रों की खबर के अनुसार अभी तक उनके हाथ खाली हैं। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।